गाइस टंगरी स्पेशल टर्की का टंगरी मजा। ये है स्मोक पॉक। स्मोक पॉक देखिए। वाह और गाइस मेरा दूसरा वीडियो भी बना रहा है वो होगा दूरा ब्लॉग, वो उसको अब जरूर देखिए, वो नेक्स्ट एपिसोड में आएगा, तो उसे जैसे भी आप देखिए वो भी मजा होगा, बहुत ही इंजॉय करेगा वहाँ में भी। और उसको भी देखना ना भूलिए, जैसे भी देखिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए जैसे भी देखिए वो वीडियो को। वो वीडियो भी बहुत मेहनत करके बना रहा है, मजा से बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, नहीं सकेगा तो उपाय नहीं है, लेकिन बनाने का तो कोशिश कर रहा है। देख दीजिए आप लोग प्लीज, ऐसे ही देखिए। ओके आपका आवाज किधर देखे ला लगता है मेरे को, मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुने ला लगता है। गाइस अभी तेल गरम हो रहा है, अभी हम लोग डालेगा, इसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ में लगेगा ना सब चीज डालेगा, मजा से टेस्टी से बना के खाएगा। देखिए उबल रहा है, कोलते हुए उबलते हुए मीठा तेल। यस मसाला
गाइस ये प्याज को तोड़ा हम धीमी आंच पे पकने देंगे ब्राउन होने तक सुंदर से। और आप मेरे वीडियो को स्किप मत करिए, बोर मत होइए, देखते रहिए मजा से। गाइस अभी ये तोरा केला तो ब्राउन हो गया सुंदर से, अभी ये हम लोग डालेगा, ये हम लोग का लोकल से स्टाइल है, ये तोरा हम लोग का स्टाइल है। यहाँ पर है लहसुन, मिर्चा, अदरक, इसके बनाया है। आप लोग भी जब ऐसे रोस्टिंग जाएगा ना, ये आइडिया टेक्निक आजमाइए, बहुत ही अच्छा है। तो अभी हम लोग इसको डालेगा टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए, गंध सुगंध के लिए बहुत ही बढ़िया है। अब चलिए डालते हैं, ब्राउन हो गया आप भैया देखिए। वाओ क्या खुशबू है। और गाइस अभी हम लोग ये मसाला डालेगा, ये है धनिया पाउडर, धनिया पाउडर डाल देगा। और ये है मीट मसाला, और एक मीट मसाला है। और फिर और ये एक फिर अलग किस्म वाला मीट मसाला। और ये फिर थर्ड नंबर, ये एवरीडे का मीट मसाला, सब अलग अलग डिजाइन वाला मीट मसाला लाया है फ्लेवर के लिए। ये देखिए इतना खूबसूरत सुंदर से हो गया, मसाला को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और बने रहिए। सिया में थोड़ा सा हम लोग पानी डाला है, पानी इसलिए डाला है कि मसाला ना जल जाए, इसलिए हम लोग डाला है। इसको अच्छी तरह से हम लोग पकने देंगे सुंदर से, तब जाकर हम मीट डालेंगे अपना मेन इंग्रेडिएंट। इसके बाद और कैप्सिकम भी डालना बाकी है, वही है, उससे आप लोग रुकते रहिए, देखिए बने रहिए मेरे साथ। और गाइस अभी ये तड़के मीट हम लोग अभी डालने जा रहा है, तो बने रहिए, चलो। ये जा रहा है कढ़ाई में सुंदर से, और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पूरी मसाला अच्छे से हर जगह पे लग जाना चाहिए। और गाइस अभी हम लोग डालेगा ये नमक, नमक को डालने का स्टाइल कुछ अलग ही होता है, ये है सॉल्ट बे का स्टाइल। इसमें ना टेस्ट आता है बहुत ही, आप उंगली चाट देगा, होने से आपको खिलाना था, लेकिन नहीं है तो क्या करेगा, पहले नहीं खिला सक रहा ना, नहीं तो खिला देना था। इसके बाद अभी हिलाना है, चलिए मजा से मिक्स हो जाएगा। तो गाइस अभी हम लोग इसमें पानी डालने जा रहे हैं, क्योंकि लग रहा है कि हम लोग पहले बहुत तेल थोड़ा सा कम डाल दिया था, तो इसलिए थोड़ा जलने जलने जैसे हो रहा, नहीं जल रहा है लेकिन थोड़ा टाइट हो गया। इसके लिए थोड़ा सा नरम के लिए हम लोग पानी मिक्स करेगा, क्योंकि टर्की का मीट है ना, आपने कभी खाया है क्या? ये पानी थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में नहीं डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा जस्ट हल्का टचअप के लिए डालेंगे। तो देखते रहिए, बहुत ही मजा होगा, ये टेस्टी बनेगा। और अभी गाइस ये हो गया, अभी कैप्सिकम डालने का बाकी है। वाओ ये
जब चिकन ऊपर में आ गया मस्त से, देखिए आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं। वाओ वाओ ग्रेवी देखिए। और अभी इसको जस्ट हल्का टचअप हो गया, ये अभी देना है और इसके खाने में वाओ लाजवाब। और इसे हम थोड़ा सा हिला लेगा इसको आराम से, और इसके बाद ये थोड़ी ही देर बाद रेडी हो जाएगा खाने के लिए, खाने लायक हो जाएगा। वाओ मजा। तो गाइस फाइनली रेडी हो गया हम लोग का ये टर्की स्पेशल, और यहाँ पे हम लोग अभी निकाल दिया इसको, तो अभी हम लोग खाएंगे मौज करेंगे बढ़िया से खाएंगे। देखिए वाओ व्हाट अ पीस, वाओ ग्रेवी किने पका होगा ना देख। ओके देखिए। सो गाइस अभी हम खाने जा रहे हैं मस्त से खाएंगे। देखिए ये है मेरा अभी खाने के लिए, तो मस्त से खाएंगे, तो मेरे साथ ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। गाइस टंगरी स्पेशल टर्की का टंगरी। ये है स्मोक पॉक, देखिए बहुत टेस्ट बना है। गाइस अब भी मजा लगा होगा, मजा लगा है तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए। अभी मुझे थोड़ा खाने दीजिए, मैं खाऊंगा, बहुत ही भूख लग रहा है, तेज भूख। इसको स्मेल सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है, खाने दिल लग रहा है, भूख लग गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लाइक सब्सक्राइब एंड सरांग लव यू।